नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पेनल कोड का चैप्टर 1, जिसके अंदर सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इस चैप्टर को समझने से पहले आप अपने दिमाग में केवल 4 सवाल डाल लीजिए। अगर उनके उत्तर आपने निकाल लिए तो ये चैप्टर अपने आप ख़त्म हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं है। पहला सवाल है, IPC कहाँ पर लागू होता है? दूसरा, IPC किस पर लागू होता है? तीसरा, IPC कहाँ पर लागू नहीं होता है? और चौथा, IPC किस पर लागू नहीं होता है? ठीक है, ये 4 सवालों के उत्तर ही इस फर्स्ट चैप्टर का हिस्सा है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार, अगर हमें एक बार पता चल जाएगा कि IPC कहाँ पर लागू होता है तो ये तो अपने आप ही पता चल गया ना कि कहाँ पर नहीं लागू होता है। मैं कहूँगा ज़रूरी नहीं है। 2020 से पहले जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करते थे उनके अंदर सारी दुनिया जहान की बीमारियां कवर्ड होती थी, लेकिन किसी को कोरोना का अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना भी कोई बीमारी हो सकती है भविष्य में, वो उसमें नहीं थी इंक्लूडेड। तो बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने 25 लाख का 50 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है, लेकिन जब कोरोना आया तो उनको अपनी जेब से अलग से ही पैसे देने पड़े थे। तो अगली बार जब भी आप इंश्योरेंस कराओ, पूछ लेना भैया कि इसमें क्या नहीं आता है। क्या आता है वो तो तू बता ही देगा, मुझे पता है, ट्रेनिंग करके आया है। क्या नहीं आता है वो ज़रूरी है। तो जो क्लैरिटी होती है ना, वो दोनों पक्षों को जानने के बाद ही आती है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है जी, तो इन प्रश्नों के उत्तरों को हम अब सेक्शंस में पढ़ेंगे। सेक्शन 1 क्या कहता है? IPC शेल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। अब ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। ये क्या कह रहा है? IPC संपूर्ण भारत में लागू होगा। अब संपूर्ण भारत क्या है वो भी तो जानना ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत है। मैंने कहा नहीं, संपूर्ण भारत का वो मेन लैंड है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है। उसके अलावा हमारे पास 2 आइलैंड्स भी हैं जिनका नाम है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। और ये तो सिर्फ ज़मीन की बात है, हमारे पास इसके अलावा समुद्र का भी एक छोटा सा हिस्सा है जो हर देश के पास होता है। कौन सा हिस्सा है वो? इंडिया की कोस्ट लाइन से लेकर के आगे की 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो है वो हमारी, उसके ऊपर हमारे सॉवरन राइट्स है, वो हमारी संप्रभुता का हिस्सा है। ठीक है जी, उसके अंदर कभी भी अगर कोई दूसरे कंट्री का नागरिक आता है तो उसे हमसे परमिशन लेनी होती है। ठीक है जी, तो 12 नॉटिकल माइल्स का समुद्र का एरिया, मेनलैंड इंडिया का जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है, और 2 आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, ये पूरा का पूरा इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। ठीक है जी, जब भी हम संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक और छोटा सा सवाल है कि नॉटिकल माइल्स का क्या मतलब होता है? देखो, नॉटिकल माइल्स एक मेजरमेंट यूनिट है। एक नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.85 किलोमीटर्स। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन टू बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, मतलब इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर होने वाले ऑफेंसेस को कैसे पनिश किया जाएगा। तो यहां पर लिखा गया है एवरी पर्सन शैल बी लायबल। सबसे पहले एवरी पर्सन, इस पे जोर दीजिए, ये जो शब्द है एवरी सिटीजन नहीं है, एवरी पर्सन, इसमें इंडियन सिटीजन भी आएगा, फॉरेनर भी आएगा, NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन भी आएगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया भी आएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी आएगा, और कंपनी अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो भी आएगी। आपने सुना होगा वोडाफोन पे केस चल रहा है। किस बात का केस चल रहा है? क्योंकि कानून मानता है कि वोडाफोन अपने आप में एक पर्सन है, पर्सन की डेफिनेशन में आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जब कंपनी पे केस चलता है तो जिसकी भी उस कंपनी में जितनी हिस्सेदारी है वो उतनी ही जवाबदेही भी रखता है। ठीक है जी, तो एवरी पर्सन शैल बी लायबल फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ एक्ट की बात नहीं हो रही है, ओमिशन भी हो रही है, यानी कि जब आप गलत करोगे तब तो आप उसके अंदर आओगे ही IPC के दायरे में, लेकिन जब आपको कुछ करना चाहिए, जब आपसे कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो कि आपको करना चाहिए और वो आप नहीं करते हो, तब भी आप इस दायरे में आओगे। उदाहरण के रूप में आप देखो, आपको टैक्स भरना होता है, अपनी कमाई का एक हिस्सा आपको टैक्स के रूप में सरकार को देना होता है। अगर वो आप ना भरो या सही समय पर ना भरो, या फिर आपके ऊपर कोई पेनल्टी ड्यू है और उसे आप सही समय पर ना भरो, तो ये अपने आप में एक अपराध है और वहां पे ये IPC लागू होगा। वैसे IPC में टैक्स लॉज का वर्णन नहीं है, लेकिन ये एक उदाहरण था। ठीक है जी,
इसके बाद ऐसा नहीं है, जब हम एवरी सिटीजन एवरी पर्सन की जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि दुनिया जहान का हर आदमी इसके अंदर आ गया। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं। कौन है वो एग्जेम्पशंस? सबसे पहले आते हैं फॉरेन सॉवरेंस, यानी कि जो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं। फिर आते हैं डिप्लोमेट्स, फिर एलियन एनिमीज। एलियन एनिमीज यानी कि दूसरे देश जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं या युद्ध चल रहा है उसमें रहने वाले जो भी नागरिक हैं वो एलियन एनिमीज हैं। फॉरेन आर्मी और वारशिप्स और प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये सभी लोग इसके आईपीसी के दायरे में नहीं आते हैं। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा होगा, आर्टिकल 361 में उसकी उनकी प्रिविलेजेस दी गई हैं, जिसके अंदर ये बताया गया है कि उन पर आईपीसी लागू नहीं होगा। फिर सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 बात करता है एक जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया बट विच मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। ठीक है जी, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया बट विच मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, यानी कि अगर कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश में जाकर के कोई ऑफेंस क्राइम कमिट करता है, जो ऑफेंस इंडिया में तो ऑफेंस है लेकिन उस देश में नहीं है, तो क्या उसको सजा मिलेगी? क्या वो आईपीसी के दायरे में आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो भारत सरकार उस पर कैसे एक्ट करेगी? जब भी वो भारत की टेरिटरी में एंटर करेगा उसे एक ऑफेंडर के रूप में अरेस्ट कर लिया जाएगा, जहाँ पे भी वो पाया जाता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, चाइल्ड मैरिज है, बाल विवाह भारत में एक अवैध ये कार्य है, इसको आप नहीं कर सकते हो बाल विवाह को, इसके लिए आपको सज़ा होगी। लेकिन अगर कोई इंसान जो भारत का नागरिक है दूसरे देश में जाता है, वहाँ पे वो बाल विवाह करता है और अपनी पत्नी को लेकर भारत में आता है, अब क्या होगा? जिस दिन से वो भारत में घुसा उस दिन से वो भारत का अपराधी है, अब उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है जी, सेक्शन 4 की बात करते हैं। सेक्शन 4 बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की, यानी कि भारत से बाहर होने वाले सभी तरह के ऑफेंसेस पर आईपीसी का दायरा कहाँ तक है उसकी बात करता है। इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला, इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि इंडियन सिटीजन तो भैया दुनिया में कहीं भी कोई भी गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा, वो अपराधी है, अपराधी था, अपराधी रहेगा। ठीक है जी, इंडियन सिटीजन पे कोई वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, कोई प्रिविलेजेस नहीं है कि तुम भारत के नागरिक हो, तुम पे आईपीसी कहीं पे भी तुम क्राइम कमिट कर रहे हो तो तुम पर लागू हो जाएगा। ठीक है जी, सेकंड है एनी पर्सन, फिर से पर्सन पे हम आ गए, यानी कि फॉरेनर और सिटीजन दोनों हैं इसके अंदर। एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि भैया कोई समुद्री जहाज़ है उसके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पर कोई क्राइम हो जाए, चाहे वो फॉरेनर करे या इंडियन सिटीजन करे, तो क्या उस पर आईपीसी लागू होगा या नहीं होगा? अगर वो शिप इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उस पर आईपीसी लागू होगा। उसी तरीके से अगर आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हो और वहाँ पर कोई क्राइम हो जाए तो क्या वहाँ पर आईपीसी लागू होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा, अगर वो एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है। ठीक है जी, अब तीसरा जो इसका पार्ट है उसमें कहा गया है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है जी, तो अगर आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर इंडिया में कोई कंप्यूटर रिसोर्स जो मौजूद है उसको अगर आप टारगेट कर रहे हो, उसके उसको इस्तेमाल करके या उसके खिलाफ कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो तो वो भी इसके दायरे में आएगा। फिर चाहे आप सिटीजन हो या फॉरेनर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यहाँ पर ये है कि इंडियन टेरिटरी अफेक्ट हो रही है आपके काम से, समझ रहे हो? अगर इंडियन टेरिटरी को कोई भी नुकसान हो रहा है, इंडियन टेरिटरी में मतलब जब मैं कह रहा हूँ कि उसकी ज़मीन है, उसका पानी है और इंडियन पॉपुलेशन भी इंडियन टेरिटरी पे है, यानी कि कुल मिलाकर भारत को अगर कोई भी नुकसान हो रहा है तो आप आईपीसी के दायरे में आओगे, फिर चाहे आप सिटीजन हो या फॉरेनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 5 जो इस चैप्टर का आखिरी सेक्शन है उसमें ये बताया गया है कहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होता है। उसका पहला प्रोविजन है कि आईपीसी शैल नॉट अफेक्ट एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्टेशन ऑफ ऑफिसर्स सोल्जर्स सेलर्स एंड एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई भी एक्ट ऐसा बनाया गया है भारतीय कानून व्यवस्था के अंदर
जो कि म्यूटिनी, म्यूटिनी मतलब विद्रोह, मतलब अपने सीनियर की बात की अवमानना करना, ऑर्डर ना मानना, ओबे ना करना, वो म्यूटिनी है। और डेजर्टेशन, डेजर्टेशन यानी भाग जाना, इलीगली भाग जाना, बिना किसी परमिशन के भाग जाना, उसको कहते हैं डेजर्टेशन। तो इन दोनों अपराधों को कमिट करते वक्त अगर कोई भी ऑफिसर्स हैं या सोल्जर्स हैं या सेलर्स हैं या एयरमैन हैं, उनको पनिश करने के लिए अगर कोई भी एक्ट बनाया गया है, तो वहां पे वो एक्ट तो लागू होगा, आईपीसी लागू नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि एक ही तरीके से कार्रवाई कर सकते हो ना आप, या तो आईपीसी लगा दो या तो कोई जो स्पेशल एक्ट उस पर्पज के लिए बनाया गया है वो लगा दो। दूसरा इसी का सेक्शन 5 का ही पार्ट है कि आईपीसी शैल नॉट अफेक्ट लोकल लॉज एंड स्पेशल लॉज। लोकल लॉज क्या होते हैं भैया? वो लॉज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। हो सकता है दिल्ली में कोई ऐसी परिस्थिति बन गई है कि वहाँ की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कोई एक्ट बनाया गया है, तो जो दिल्ली का पर्टिकुलर एक्ट है वो जहाँ जहाँ पर वो लागू हो रहा है वहाँ वहाँ पर आईपीसी लागू नहीं होगा, उसको उस एक्ट को वरीयता दी जाएगी उस एरिया के अंदर। ठीक है जी, दूसरी चीज़ है स्पेशल लॉज। स्पेशल लॉज वो होते हैं जो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप मान सकते हैं कि औरतों का डाइवोर्स के बाद क्या अधिकार होंगे और किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाएगा, ये एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर लॉ है। अगर ऐसा कोई लॉ किसी भी एरिया में है तो जहाँ पर भी ये लागू होता है वहाँ पर आईपीसी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ये मैं एक उदाहरण के रूप से बता रहा हूँ, और ताकि आप एक बेहतर रूप से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कहाँ पर आईपीसी होगा और कहाँ पर आईपीसी नहीं होगा। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको लग रहा होगा यार इतना आसान था, चार क्वेश्चन पूछे उनके आंसर दिए चैप्टर खत्म हो गया। हाँ जी, लॉ आसान है, सीधी नहीं है, थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन उसको सीधा किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कानून की किताबें लिखी गई है ना, वो ये सोच के लिखी नहीं गई कि कोई भी इनको सीधा पढ़ेगा और समझेगा, कोई भी आम नागरिक के लिए वो बनाई नहीं गई हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब अब आप मेरी वीडियोस देखने के बाद किसी भी किताब को, कानून की किताब को उठा के पढ़ेंगे, तो वो आपको ऐसे समझ में आएगी जैसे 5वीं क्लास का बच्चा अपनी किताब को पढ़ता है। और इसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, और अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।